नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर और आज का जो हमारा टाइटल है वो है वाई डेमोक्रेसी। इसके पहले वाली वीडियो क्लास में हमने देखा था डेमोक्रेसी की डेफिनेशन और उसके कुछ फीचर्स के बारे में, और आज का जो हमारी क्लास होगी वो बेस्ड है कि हमने डेमोक्रेसी को क्यों अपनाया, क्या वैलिड पॉइंट्स थे हमारे पास या इंडिया के पास या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के पास कि वो डेमोक्रेसी को ही चुने। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमें किसी चीज़ का चुनाव करना होता है तो हम उसको देखते हैं कि इसके मेरिट्स क्या हैं। अगर ये काम या ये चीज़ हम लोग चूज़ करते हैं तो उसके कुछ मेरिट्स के बारे में हम लोग ध्यान देते हैं और कुछ डीमेरिट्स, और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ये काम करने में या ये इसको चूज़ करने में हमारा बेनिफिट ज़्यादा होगा या लॉस ज़्यादा होगा। तो उसी तरह हम लोग आज डेमोक्रेसी को देखते हैं कि इसके भी मेरिट्स और डीमेरिट्स को हम लोग पढ़ते हैं या जानते हैं, और उसके बाद एक जो हमारा क्वेश्चन है कि वाई डेमोक्रेसी, इसको समझेंगे कि हमने एक्चुअल में डेमोक्रेसी को ही क्यों चुना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग अब पढ़ने वाले हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, या मैं कहूँ कुछ ऐसे आर्गूमेंट्स जो अगेंस्ट में है डेमोक्रेसी के और कुछ ऐसे आर्गूमेंट जो हमारे डेमोक्रेसी को फेवर करते हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये मैंने दो बार लिख दिया है फ्रेंड्स, इसको आप काट दीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, पहला पॉइंट हमारा जो डेमोक्रेसी को अगेंस्ट करता है, पहला पॉइंट बोलता है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। हमने देखा है अक्सर कि डेमोक्रेटिक कंट्री में अक्सर चुनाव होते रहते हैं। अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें, आप देखेंगे कि इंडिया में लोकसभा राज्यसभा का इलेक्शन है, उसके बाद जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनका कभी ना कभी चुनाव होता रहता है, और हमारे पास एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी है जो पंचायत की सरकारें होती हैं उनका चुनाव होता है। तो इंडिया में लगभग हर साल कहीं ना कहीं चुनाव हो रहा है, और इस चुनाव के होने के कारण लीडर्स ऑब्वियस सी बात है चेंज होंगे। जनता अगर उसके पुराने लीडर्स को नहीं समझती या नहीं उसको अच्छा लगता है तो वो चेंज करती है, और जब लीडर्स चेंज होते हैं तो क्या होता है, इनस्टेबिलिटी आती है। ठीक है, ये इनस्टेबिलिटी का ये इंस्टेबिलिटी को बढ़ाता है कैसे, जो पुरानी गवर्नमेंट होती है उसकी जो पॉलिसीज चल रही होती हैं उसके जो डिसीजंस होते हैं वो नई गवर्नमेंट आते ही उसको चेंज कर देती है। तो 5 साल या 4 साल या जब भी सरकारें बदली, अचानक से पुरानी पॉलिसीज़ को चेंज कर दिया गया और एक नई तरह की पॉलिसीज़ को इवेल्युएट किया जाता है, जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में इंस्टेबिलिटी देखने को मिलता है। ये इसका पहला अगेंस्ट था डेमोक्रेसी का पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है हमारा, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देर इज़ अ नो स्कोप ऑफ मॉरेलिटी। ओके, हमारी डेमोक्रेसी में आप जानते हैं कि क्या होगा, चुनाव होते रहेंगे, चुनाव होंगे तो कॉम्पिटिशन आएगा। ठीक है, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, वो भी क्योंकि हर सत्ता को, हर सरकार को सत्ता चाहिए। ठीक है, जो जितने भी लीडर्स होते हैं, जितने भी नेता होते हैं, उनका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि किसी तरह से हम पहले सरकार बना लें अपनी। ठीक है, गठबंधन कर लें, हमें बहुमत मिल जाए, वो कुछ भी करते हैं, कोई भी तरीका अपना के उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव रहता है किसी तरह से हम लोग सरकार बने, और सरकार बनाने के लिए उनको बहुत बड़े लेवल पे कंपटीशन फेस करना पड़ता है, और इस कंपटीशन के जगह पे या होने की वजह से मोरेलिटी लगभग ख़त्म हो जाती है। वो किसी भी हद तक जाकर आप देख रहे हैं, अगर समाचारों को अगर आप सुन रहे हैं तो यहाँ पे नेताओं की खरीद बिक्री भी हो जाती है बहुत बड़े लेवल पे, लिकर यानी शराब का बहुत बड़ा काम होने लग जाता है, ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है जो मोरेलिटी के अगेंस्ट है। ठीक है, तो अगर पॉलिटिकल कंपटीशन होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी है पॉलिटिकल कंपटीशन होना ही है, अगर ऑटोक्रेसी होती तो कोई कंपटीशन नहीं होता, एक ही पॉलिटिकल पार्टी रहती, वही लाइफ लॉन्ग एक ही तरह की सरकार होती और आपको उसी में एडजस्ट करना पड़ता। बट डेमोक्रेसी में क्योंकि पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन है, इसकी वजह से वहाँ पर मोरेलिटी जैसे फैक्टर्स थोड़े से डाउन हो जाते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट, सो मैनी पीपल्स हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इज लीड्स टू डिले। देखिए, डेमोक्रेसी में कोई भी निर्णय लेना होता है या कोई भी कानून बनाना होता है तो उसकी प्रक्रिया होती है। सरकार को अगर कोई निर्णय लेना है या कानून बनाना है तो उसके लिए पहले सरकार अपने मंत्रिमंडल से पूछेगी। ठीक है, मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद पहले कैबिनेट से पूछती है, कैबिनेट फिर मंत्रिमंडल से पूछता है, और मंत्रिमंडल अगर किसी निर्णय को, बिल को, डिसीजन को पास करता है तो उसके बाद उसको पार्लियामेंट भेजा जाता है। पार्लियामेंट में दो हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा,
लोकसभा और राज्यसभा दोनों से बिल पास होना चाहिए या उसकी अनुमति मिलनी चाहिए, तब वो राष्ट्रपति जी के पास जाता है और राष्ट्रपति जी ने जाने के बाद राष्ट्रपति जी को एक बार उस बिल को वापस लोकसभा या राज्यसभा या हमारी पार्लियामेंट के पास भेजने का एक मौका रहता है। और अगर ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब जाके हमारे यहाँ पे इंडिया में या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक लॉ बनता है। क्या हुआ, एक प्रोसीजर पड़ा बहुत लंबा, जिसकी वजह से क्या हुआ, डिले होना स्टार्ट हुआ। क्यों, कैबिनेट अप्रूवल, मंत्रिमंडल का अप्रूवल, उसके बाद फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ने अगर पुराना दोबारा बिल भेज दिया तो उसको फिर से डिबेट, डिस्कशन, जिसकी वजह से डिसीजन लेने में अक्सर देखा गया है कमी आती है या लेट हो जाता है। बट ऑटोक्रेसी में क्या होगा, इसका अपोजिट, क्योंकि एक ही पॉलिटिकल पार्टी है और जो राजा है या जो तानाशाह है उसको सिर्फ खुद का ही मत देखना है, मतलब क्या मुझे पसंद है तो हाँ, अगर मुझे नहीं पसंद है तो नहीं। बट डेमोक्रेसी में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे आपको डिस्कशन, डिबेट मिलेगा, जिसकी वजह से अक्सर पॉलिसीज़ में, कानून बनाने में, डिसीजन लेने में आपको डिले मिलेगी, जो डेमोक्रेसी का एक लैक होता है, यानी एक नेगेटिव पॉइंट आता है। नेक्स्ट है, अक्सर अभी देखेंगे, अगर इस पॉइंट को अगर आप देखें तो इसको, इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी आएगा जो अभी हम लोग डेमोक्रेसी के फेवर वाले पॉइंट में देखेंगे। नेक्स्ट है, इलेक्शन लीड्स टू, लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल्स, इट लीड्स द बैड डिसीजन। हमारे जो लीडर्स होते हैं आप जानते हैं कैसे, पांच चुनाव थे, चुनाव में जनता के पास आए, वोट मांगा, अपनी जो भी घोषणा पत्र में बातें की गई थी उनको बताया, चुनाव जीत गए, 5 साल गायब, फिर अगले 5 साल के बाद या 4 साल के बाद चुनाव आने वाले होंगे तो आपको फिर से दिखेंगे। क्या होगा, लीडर्स को पता ही नहीं है, लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट। क्यों, क्योंकि वो जाते ही नहीं हैं, पब्लिक उनसे मिलती नहीं है, वो पब्लिक से मिल नहीं पाते हैं। तो जिन्होंने अपने लीडर्स को चुना है, हमारे प्रतिनिधि हमारे पास आ ही नहीं रहे हैं, हमें उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, या हमारे प्रतिनिधियों के हमारे इंटरेस्ट के बारे में पता नहीं है, हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या बेस्ट सुटेबल डिसीजन हो सकता है, हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, जब उन रिप्रेजेंटेटिव्स को वो बात पता ही नहीं है, जिसकी वजह से कभी कभी देखा जाता है ऐसे डिसीजन ले लिए जाते हैं जो जनता के अगेंस्ट यानी बैड डिसीजन के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे सपोज करिए, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, जिस एरिया में रह रहे हो, वहाँ पे कोई एक लोकल प्रॉब्लम है, आपके लीडर को वो बात पता नहीं, किसी सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे डिसीजन ले लिया गया जिसकी वजह से आपकी उस सोसाइटी में या लोकेलिटी में उस डिसीजन का एडवर्स इफेक्ट पड़ा, अपोजिट इफेक्ट पड़ा, क्योंकि आपके लीडर ने डिसीजन लेते समय आपसे कोई कंसर्न नहीं किया, आपसे कोई बात नहीं की, आपकी कोई प्रॉब्लम को समझा नहीं, और कहीं दूर जाकर बैठकर उसने डिसीजन ले लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसका डिसीजन अक्सर क्या हुआ, बैड। ये डेमोक्रेसी का एक नेगेटिव पॉइंट। नेक्स्ट है, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोरल कॉम्पटिशन। हमने अभी ऊपर देखा था, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है, इलेक्ट्रोरल कॉम्पटिशन से चलती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो नेतागण होते हैं वो क्या, हमारी सरकार बन जाए या मेरी सरकार बन जाए, मैं किसी तरह से अपनी पार्टी के लिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के लिए चुन लिया जाऊँ, उसकी वजह से कॉम्पटिशन होने की वजह से करप्शन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनको एनी हाउ किसी भी कीमत पर उनको सीट चाहिए, और अगर सीट चाहिए तो उनको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, करप्शन का कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे, ब्लैक मनी का इस्तेमाल होगा, ठीक है, कुछ ऐसे भड़काऊ भाषण दिए जाएंगे जो जनता के फेवर में नहीं होंगे, कुछ इस तरह का प्रलोभन दिया जाएगा जनता को, कुछ इस तरह से एक तरह की घूस दी जाएगी कि आप मेरे को किसी तरह सत्ता मिलाओ तो मैं ये सारी चीज़ें करने लग जाऊँगा, या फिर विधायकों की, सांसदों की खरीद बिक्रो स्टार्ट हो जाएगी, जो करप्शन का ही एक ऑप्शन बनता है। तो डेमोक्रेसी में ये सब चीज़ें मिलती हैं, इन कंपेरिजन ऑफ डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी में क्या होगा, ऑटोक्रेसी में ये सब चीज़ें होंगी नहीं, एक ही सत्ता है, एक ही सरकार है, एक ही पार्टी है, वहाँ पे चुनाव होना नहीं है, होता भी है तो सिर्फ दिखावे के लिए, तो वहाँ पे ये सब कंपटीशन और ये सब चीज़ें लैक करती हैं, मिलती नहीं है, ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में आता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो वॉट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। हमारी जो आम जनता है, ऑर्डिनरी पीपल, मैंगो पीपल यानी आम आदमी, उसको नहीं पता है कि उसके लिए बेस्ट क्या है या उसके लिए सही क्या है। देखिए, एज अ नेशन, है ना, एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री,
हम इंडिविजुअल अपने लिए, ठीक है, अपने घर के हाउस होल्ड के लिए तो मे बी शायद एक बेहतर डिसीजन ले सकें, बट हमारी कंट्री के लिए क्या बेस्ट डिसीजन होगा वो हमें नहीं पता। मैं एग्जांपल लेता हूँ, हमारे इंडिया में अभी भी लिटरेसी बहुत ज़्यादा नहीं है। लिटरेसी अगर मान लीजिए आ भी गई तो वो नॉलेज उतनी अच्छी नहीं है कि लोग फॉरेन पॉलिसी को लेकर गवर्नमेंट से बात करें, डिसीजन लें, ठीक है। कुछ ऐसे इशू जो वाकई में हमारे सिटीजन्स को इफेक्ट करते हैं, जैसे क्लीन एयर, ठीक है, एनवायरनमेंट कंसर्न्स, एनवायरनमेंट कंसर्न के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं है। जब ऐसी चीज़ें, या जैसे अभी हमारा कोरोना वायरस आया है, कोरोना वायरस एक बायोलॉजिकल वेपन की तरह मैं कह सकता हूँ इस्तेमाल हो रहा है या हुआ है हुआ, तो ये सब चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं और जनता को या पीपल्स को, आम आदमी को ये सारी चीज़ें पता नहीं रहती कि ये क्या होगा, इसके इस सिचुएशन में हमें डिसीज़न कैसे लेना है। तो क्योंकि ऑर्डिनरी पीपल को डिसीज़न नहीं पता कि क्या लेना है, तो जब वो नेता आते हैं, चुनाव होता है, तो चुनाव के मुद्दों में जो चुनाव के टाइम में जो मुद्दे बनते हैं वो क्या बनते हैं, जातियाँ बनती हैं, ठीक है, घूस किसने लिया था, किसने, करप्शन किसका हुआ वो बनता है, ठीक है, रिजर्वेशन जैसी चीज़ें बनती हैं, एनवायरनमेंट नहीं बनेगा, ठीक है, एजुकेशन नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि पब्लिक को पता नहीं है। तो कुछ ऐसी बातें जो पब्लिक बहुत अच्छे से नहीं जानती है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। फॉरेन पॉलिसी का भी आपने देखा नहीं होगा कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉरेन पॉलिसी को लेकर एक दूसरे के साथ डिबेट कर रही हो, या जनता ही नहीं कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से पूछा हो कि आपकी फॉरेन पॉलिसी कैसी है, उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें ब्रीफ दीजिए। तो क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है, वो अपने ही कामों में इतना व्यस्त रहता है, जिसकी वजह से जो लीडर्स होते हैं वो उसको गुमराह करके अपनी सीटें बनाते हैं। ये कुछ पॉइंट्स थे जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में जाते हैं, इसका ड्रॉबैक यानी डीमेरिट्स। अब हम लोग ध्यान देते हैं मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी में। अगर हम मेरिट और डीमेरिट दोनों पढ़ लेंगे तो हमारे पास ज़्यादा अच्छा सा एक व्यू बनेगा जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर देगा, वाई डेमोक्रेसी। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मोर अकाउंटेबल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अकाउंटेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है डेमोक्रेसी में। अकाउंटेबिलिटी कैसे बढ़ जाती है, ओके, देखिए, जनता हर पाँच साल बाद चुनाव होंगे, एक बार किसी पॉलिटिकल पार्टी को सीट मिली यानी सरकार बनी किसी की, अब उसको पता है कि अगले पाँच साल बाद मुझे फिर से जनता के पास जाना है। वो अपने घोषणा पत्र में कुछ बातें बोलेगा आपको कि मैं ये कर दूंगा, मेरी ये सरकार आएगी तो मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, और आप उस उनके घोषणा पत्र को देखकर उनकी सरकार चुनते हैं कि मैं इसको बनाऊं या उसको बनाऊं। मान लीजिए घोषणा पत्र में 10 बातें लिखी थी, 4 बातें फुलफिल हुई, 6 बातें नहीं हुई, और जब अगली बार आपके पास वो लीडर जाएगा, वो नेता जाएगा, तो जनता उससे क्रॉस क्वेश्चन करेगी कि भैया आपने कहा था ये 5 या 10 काम हम करके देंगे अगर हमारी सरकारें बनेंगी, लेकिन आप देखिए चुनाव 5 साल बीत गया, चुनाव फिर से आ गए और आपने 4 ही काम किए, ये 6 काम कौन करेगा। तो ये जो जनता क्वेश्चन पूछती है अपने लीडर से, वो इसी फैक्टर की वजह से, अकाउंटेबिलिटी की वजह से। अगर आप अकाउंटेबल होंगे या अगर आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रहेंगे तो आपके ऊपर ही अकाउंटेबिलिटी रहेगी। आप कोई भी काम करिए, सरकार में रहते हुए कोई भी काम करिए, जनता अगले दिन आपसे क्वेश्चन करेगी, मीडिया आपसे क्वेश्चन करेगी, इंडिया के जो बहुत बड़े पत्रकार हैं, थिंक टैंक्स हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे सरकार ने ये काम क्यों किया, ये डिसीजन क्यों लिया गया। सरकार को उसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। बट यही काम ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट में कोई नहीं है पूछने वाला, आपने किया अच्छी बात है, जनता जनता को बताइए मत बताइए कोई फैक्टर नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी सरकार से कोई पूछने जाएगा। तो डेमोक्रेसी में आप अकाउंटेबल होते हैं, गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, जिसकी वजह से लोग या गवर्नमेंट तानाशाही होने से बचती है, वो कोई ऐसा काम करने से बचती है जो लोक हित में नहीं होता, जो कंट्री के हित में नहीं होता, जनता के हित में नहीं होता। ये इसका एक वैलिड या गुड पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा, डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ओके, ये पॉइंट ये देखिए, ये यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है, ये लीड, ये वाला, ये पॉइंट आप इसका यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे देखा था कि बहुत सारे कंसल्ट करने पड़ते हैं, ठीक है, उसको बहुत जगह पे कंसल्ट करना पड़ता है कि ये काम कैसे होगा, मंत्रिमंडल से पूछा, कैबिनेट से पूछा, फिर लोकसभा में डिस्कशन डिबेट, राज्यसभा में डिस्कशन डिबेट, राष्ट्रपति ने भी उसको कंसर्न किया। इन सब चीज़ें कारण हमारे डेमोक्रेसी कंट्री में एक डिसीज़न मेकिंग बहुत अच्छा हो जाता है।
कि कोई निर्णय लेना होता है तो उसकी बहुत बार जांच होती है कि ये निर्णय लें या न लें, ठीक है, या ये काम करें या न करें। क्यों? अगर ऐसा होगा तो गलती होने की या कोई गलत डिसीजन होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। इन कंपेरिजन ऑफ ऑटोक्रेटिक कंट्री, अगर वो ऑटोक्रेटिक कंट्री डिसीजन ले ली, एक ही पर्सन ने डिसीजन लिया, जो वहाँ का तानाशाह है उसने डिसीजन ले लिया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, जाहिर सी बात है एक पर्सन ने डिसीजन लिया तो सभी डायमेंशन को नहीं सोच पाया होगा या सभी डायमेंशन नहीं देख पाया होगा। बट एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जब कोई डिसीजन लिया जाता है तो नेता यानी जितने भी सरकार के पक्ष के हैं, विपक्ष उस पर डिस्कस करता है, डिबेट करता है, उसको पब्लिक फोरम में रखा जाता है, पब्लिक से राय मांगी जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो बहुत बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स हैं वो उनको देखते हैं, राष्ट्रपति जी के पास जाता है, राष्ट्रपति को लगता है नहीं इस पर काम अच्छे से नहीं हुआ, एक बार और डिस्कशन डिबेट होनी चाहिए, राष्ट्रपति फिर से उसको लोकसभा या राज्यसभा में भेजते हैं। तो इसके कारण हमारा डिसीजन मेकिंग का जो लेवल होता है या स्किल होती है वो बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाती है, जिसके कारण डेमोक्रेसी में गलती होने की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा था डिले होने का, लेकिन इस डिले का एक बेनिफिट भी आपको कहीं ना कहीं मिलता है, लेकिन हाँ ये जो डिले होना चाहिए वो इतना लंबा ना हो जाए कि सरकार ही बदल जाए, डिसीजन ना ले पाया गया एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर। नेक्स्ट है हमारा डेमोक्रेसी इन्हांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। हमारी जो डेमोक्रेसी होती है वो सिटीजन्स को जो डिग्निटीफुल लाइफ देती है। डिग्निटीफुल ऑफ सिटीजन या लाइफ का क्या मतलब हुआ? डेमोक्रेसी में सरकार या कॉन्स्टिट्यूशन आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स देगी, अगर उन बेसिक फंडामेंटल राइट्स का आपके साथ कभी भी वायलेशन होता है या सरकार उसको वायलेट करती है तो आप सीधा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाकर उन फंडामेंटल राइट्स को आप इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। इन कंपेरिजन ऑफ डेमोक्रेसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कोई भी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले लीजिए, वहाँ पर तो पहले आपको फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे नहीं आपके, ठीक है। मान लीजिए सरकार ने कभी बोल दिया हो कि ये आपके कुछ मूलभूत अधिकार हैं, लेकिन अगर उन मूलभूत अधिकारों का फंडामेंटल राइट से कभी वायलेशन हो जाए तो कोई अथॉरिटी नहीं है आपको सुनने के लिए कि आपका ये जो वायलेशन हुआ है फंडामेंटल राइट लाइए मैं आपको इसमें हेल्प करता हूँ, नहीं। लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको, क्योंकि आप एज ए ह्यूमन बीइंग आपने जन्म लिया है, आप मानव होने के नाते आपके कुछ अधिकार होते हैं, वो अधिकार आपको डेमोक्रेटिक कंट्री देती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देती है, और आपको ये एश्योरेंस भी देती है, यानी उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये एश्योरेंस भी देता है कि अगर आपका इन फंडामेंटल राइट्स का, बेसिक राइट्स का कभी भी वायलेशन हो जाए, और वो बेसिक राइट्स कैसे रहेंगे, ऐसे बेसिक राइट्स रहेंगे जिसमें आप एक बहुत गरिमामय जीवन जी पाएँ, इंसान होने के नाते आप बहुत गरिमापूर्ण जीवन जी पाएँ, सोने का अधिकार मिलेगा, बोलने का अधिकार मिलेगा, कहीं भी आने जाने का अधिकार मिलेगा, ठीक है। आपको ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे जो आपको मानव होने के नाते आपको ज़रूरी थी, जिसके कारण आपकी डिग्निटी बढ़ जाएगी, ठीक है, आपकी गरिमा बढ़ जाएगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने का मौका मिलेगा। ये आपको डेमोक्रेटिक कंट्री में मिलेगा, बट इसी के अपोजिट अगर आप एक ऑटोक्रेटिक कंट्री में होंगे तो शायद आपको ये चीज़ें ना मिले। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। नो डाउट हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, लेकिन जितनी अच्छे तरीके से एक डेमोक्रेटिक कंट्री उन कॉन्फ्लिक्ट्स को, उन डिफरेंसेस को ख़त्म करता है या सप्रेस कर देता है, उतने अच्छे से एक अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कर पाती है। अगर सपोज करिए कभी किसी सोसाइटी में या किसी कंट्री में कुछ डिफरेंसेस हुए हैं तो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करेगी? जो मेजॉरिटी पीपल्स हैं उनके फेवर में या उनके अगेन, मतलब उनके हित में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको सप्रेस कर देगी, मतलब वो बोलेगी क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल इस बात को मानते हैं, इस चीज़ पे एक विश्वास करते हैं, इसीलिए आप माइनॉरिटीज़ हैं तो आप भी करिए। तो वहाँ पे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का अंतर ही ख़त्म, यानी डिफरेंस ही ख़त्म करने की बात की जाती है। लेकिन जो यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, सपोज़ करिए इंडिया में हैं आप, और आप इंडिया में जानते हैं बहुत तरह के लैंग्वेजेस हैं, बहुत तरह के रिलीजन्स यहाँ पे मिलते हैं, बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, और लेकिन उन भाषाओं को ख़त्म करने की बात नहीं है, वो जो डिफरेंसेस होते हैं उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन किया जाता है कि ठीक है आप इस भाषा को बोलते हैं आपका हम सम्मान करते हैं, लेकिन ऑटोक्रेटिक कंट्री क्या करेगी, आप ये भाषा बोल ही नहीं सकते, आपको जो मेजॉरिटी ऑफ
पीपल्स बोलते हैं, जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है एक तरह से, उसको ही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपकी ये रीजनल लैंग्वेज या आपकी ये लोकल लैंग्वेज हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर वहाँ पे कभी कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आए, तो कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से क्या होगा, जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल चाहते हैं वही होगा। बट इंडिया जैसे कंट्री में या किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो सबके इंटरेस्ट की बात को ध्यान में रखकर उसका डिसीजन लिया जाता है। ये है हमारे कुछ फीचर्स या मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री। चलिए अब हम लोग एक बार मूल्यांकन करते हैं, मतलब डीमेरिट्स और मेरिट्स का एक बार तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, जिससे हमें हमारे इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि हमने डेमोक्रेसी को क्यों चुना। अब हम देखिए, अगर आप अपने आप में इंडिविजुअल आप खुद एक निर्णय लीजिए कि आप कहाँ जाना चाहेंगे, किस कंट्री में जाना चाहेंगे, डेमोक्रेसी में जाना चाहेंगे या किसी ऑटोक्रेटिक कंट्री में या अदर फॉर्म ऑफ कंट्री में जाना चाहेंगे, जहाँ पे आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स मिल जाएं वहाँ जाएंगे, जहाँ आपकी गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो आप वहाँ जाना चाहेंगे, जहाँ आपकी डिग्निटीफुल लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए आप वहाँ जाएंगे, या किसी एक ऑटोक्रेटिक कंट्री में जाना चाहेंगे। इसका आंसर आई गेस आप लोग अपने आप में खो सकते हैं। और जब हमें इन दोनों का कंपेरिजन करने का मौका मिला, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया, तो हमें ऐसा लगा, या हमारी गवर्नमेंट को, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको ये लगा कि नहीं, हमें भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री ही बनना चाहिए जो ज़्यादा बेनिफिट है या ज़्यादा यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स, ये था या ये है कि हमने हमारा जो टॉपिक है वाई डेमोक्रेसी, उसके बारे में समझा। अगर आप देखें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये अनडेमोक्रेटिक कंट्री या अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कुछ फीचर्स के बारे में बात कर रही है, या ये नॉन डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के डिफरेंसेस को बात कर रही है। अगर एग्जाम में कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स को लिखिए, तो आप ये सीधा आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आप चीज़ें लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज की क्लास वाई डेमोक्रेसी। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी के ऊपर रहेगा, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी इसी चैप्टर के। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के आप नोटिफिकेशन मिले। लाइक कर दीजिएगा और वीडियोस को शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पे आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।